अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को 61 अरब डॉलर का सैन्य पैकेज तो पास कर दिया है, लेकिन इसमें हुई देरी की वजह से यूक्रेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। फरवरी 2024 में यूक्रेन को गोला बारूद की कमी की वजह से अवदिवका से हाथ धोना पड़ा और उसके बाद डोनेस्क के अहम इलाकों से यूक्रेनी सेना को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। लेकिन अमेरिकी मदद की वजह से यूक्रेन के ऊपर रूस के हाथों हार का खतरा मंडरा रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ब्रिटेन की सशस्त्र सेना के पूर्व मुखिया जेम्स हैपी कह रहे हैं। हैपी ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन की हार होती है तो पश्चिम को नए शीत युद्ध में इसकी कीमत खरबों डॉलर में चुकानी पड़ेगी। हैपी ने ये बात ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में कही है। उनका कहना है कि यूक्रेन को पूरे यूरोप में अपनी सुरक्षा को जीतने के लिए और ज्यादा सैन्य सहायता पैकेज की जरूरत पड़ेगी। हैपी के मुताबिक एक गतिरोध या भगवान ना करे यूक्रेन की हार से एक नया शीत युद्ध पक्का है जो दशकों तक चलेगा और खरबों डॉलर से ज्यादा इस पर खर्च होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा खर्च होंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी यूक्रेन की मदद के लिए 53 करोड़ यूरो की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को हजारों बख्तरबंद गाड़ियां, 40 लाख राउंड छोटे गोला बारूद दिए जाएंगे, साथ ही 60 सैन्य बोट भी यूक्रेनी फौज को मिलेंगी। हालांकि पीएम सुनक के इस फैसले को लेकर हैपी का कहना है कि इस पैकेज से फ्रंटलाइन पर तत्काल कोई संतुलन नहीं आएगा, लेकिन इससे यूक्रेनी एक अंतिम जवाबी कार्रवाई शुरू कर पाएंगे जिससे तुरंत और पूरी जीत हासिल की जा सकती है। हैपी का कहना है कि अगर यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई होती रहती है तो वो संभवतः रूस के साथ अगले साल या 2026 में ये युद्ध जीत सकता है, लेकिन अगर यूक्रेन को सही तरीके से हथियार नहीं दिए गए तो ये युद्ध 6 महीने के भीतर ही खत्म हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक पूर्व लेफ्टिनेंट और सैन्य एक्सपर्ट डेनियल डेविस का कहना है कि रूस जंग जीतेगा और यूक्रेन के लिए इसे जीतना एकदम असंभव है। यदि आप भावनाओं को एक तरफ रखें और सामान्य रूप से दोनों तरफ ताकत का संतुलन देखें तो यूक्रेन के पास वो जनशक्ति नहीं है जो रूस के पास है। डेविस का कहना है कि अमेरिका का 61 अरब डॉलर का सैन्य पैकेज भी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दुर्भाग्य से एक पूरी तरह से लेन देन संबंधी राजनीतिक मुद्दा है जो अमेरिका की सियासत में गरमाया हुआ है।